जी नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो वीरेंद्र कुमार। आज एक बुजुर्ग जो पेंशनधारी हैं, बीके सिंह, कांग्रेस के लीगल एंड ह्यूमन राइट्स दिल्ली प्रदेश के नेता हैं, उन्होंने आज अपनी पेंशन की राशि से गरीबों के बीच अनाज का वितरण किया। साथ ही साथ उनके साथ उदय शंकर झा भी मौजूद थे, जो वरिष्ठ नेता हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारतवर्ष के नागरिकों को, और मैं अभी जमुई जिला झाझा प्रखंड में खड़ा हूं। मैं अपने निवास स्थान से कुछ दूर पर गरीबों के बस्ती में, दलितों के बस्ती में, जहां पर बच्चे और बड़े और औरतें बहुत सी भूखी हैं, जिसका खाना पीना नदारत है। लेकिन सरकार जो काम कर रही है कि आप लोग घर से ना निकलें, घर में ही रहें, आपको सब मुहैया किया जा रहा है। मैंने सोचा कि मैं अपने पॉकेट से, और हमारे एक कांग्रेसी भाई भी हैं, मैं भी कांग्रेसी हूँ, लीगल एंड ह्यूमन राइट DPCC का मैं सेक्रेटरी हूँ, और हमारे उदय शंकर झा साथ में हैं, दोनों मिल करके हम लोगों ने दलितों का एक, हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसा मदद होनी चाहिए जी, मदद होनी चाहिए, जैसे इनकी भूख एक दिन अगर हम मिटाएंगे, हर एक भारतवासी अगर चाह लेगा कि एक एक दिन अगर भूख मिटाया जाए, तो कितने ही दिन भूख मिटाया जा सकता है। थैंक यू। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं, और मैं सोनिया जी तक यह आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि आपने भी सहयोग करके, जो आज साथ मिल करके देश का सेवा में लगे हुए हैं, वह बहुत बधाई पात्र है। मैं डॉक्टर्स, नर्सों एवं पारा मेडिकल स्टाफ एवं पुलिस कर्मियों को सबसे ज़्यादा बधाई देना चाहता हूं, और मैं अगले बार मैं डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस कर्मियों के लिए कुछ मास्क और कुछ पानी की व्यवस्था करने के लिए मैं प्रयत्नशील रहूँगा। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। आप लोग खुश रहें, आपका रक्षा भगवान श्री राम करें। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ उदय शंकर झा जुड़ रहे हैं। सर, आज जो गरीबों की आपने, कांग्रेस के दलों ने, कांग्रेस के लोगों ने मदद किया है, सर कैसा लग रहा है ये पुनीत काम करके? देखिए, अभी का जो माहौल है वो इतना गमगीन का माहौल और विपत्ति का माहौल है कि लगता है कि हर आदमी एक दूसरे को मदद करे, और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग वार्ड नंबर 6 में आए हैं। हमारे साथ विजय कुमार सिंह जी हैं, हमारे साथी हैं, हम लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। हम लोगों की एक इच्छा हुई कि कहीं जाके जहां बहुत नीडी लोग हैं, कुछ उनको हम मदद करें, और इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहां आए हैं। और एक संदेश भी देना चाहेंगे कि गुजर जाएगा यह दौर भी, तुम इत्मीनान तो रख, जब खुशी नहीं ठहरी तो गम की क्या औकात है।